पता नहीं मेरी बच्ची कैसे संभाल रही होगी अपने आप को. बस एक बार दिख जाए मेरी बच्ची. ओपो मैम आपका सामान. मामूनी बहुत दर्द है, कुछ करिए. बस शोना बस, एक ही दिन की बात है, मैं हूं ना तेरे पास. अरे वाह, ये सामान तो पहले ही आ गया. लो बाकी का सामान लो. जरा ध्यान से. हाँ का दिन खत्म होने से पहले मैं अप्पू का खेल खत्म करके ही रहूंगी. माँ, जो भी प्रार्थना आती है सब कुछ कह दीजिए, क्योंकि आज हमारी अप्पू को हमारी दुआओं की बहुत जरूरत है. किसी ने देख लिया तो? इससे पहले तो कभी नहीं देखा. पता नहीं आपको कैसे पता कि मैं कहाँ रहती हूँ? मारे को सब पता चल जावे है छोरी. हाँ चाची जी, सत्यनारायण की किताब मेरे पास ही है. वान विश पीचम समुदाय सत्यनारायण. मले आप क्या कर रहे हैं इस किताब के साथ? तुमसे बात करने का बहाना ढूंढ रहा हूँ. मले हर बात में मजाक करना अच्छी बात नहीं होती. लाइए दीजिए. अपनी ही वाइफ से बात करने का बहाना ढूंढना पड़े, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है वरदान. वाइफ? वरदान प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो. देखो मैं जानता हूं तुमसे शादी मेरी मर्जी नहीं थी, पर पिछले कुछ दिनों से मैं वरदान सॉरी वरदान, वो मैंने प्रसाद बना दिया है, एक बार आके देख लोगी प्लीज? अपू तुम जाओ, वो आ जाएगी. पर मले मैं यार दो मिनट के लिए मुझे अपनी वाइफ के साथ अकेला छोड़ सकती हूँ? प्लीज. ये वरदान आज कोई मौका नहीं छोड़ेगी मुझे फंसाने का. फिर मैं भी किसी को कोई मौका नहीं दूंगी मुझ पर शक करने का, खास करके मले को. नहीं, बस जल्दी से ये लड्डू बन जाए.
से ज्यादा मेहनत की तो मेरा नीला रूप सबके सामने आ जाएगा। ये क्या कर रही थी तुम दोनों? जाओ जाके चेंज करो, जाओ। अब तो मुझे रूम में जाना ही पड़ेगा चेंज करने। माँ काली, मेरे बच्चे की रक्षा करना। तैयार है ना सोना? प्लीज मैले, एक बार मेरी बात मान लीजिए। आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। प्लीज मेरे लिए। ओके, तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। जी भाभी, टाइम क्या हो रहा है भैया? 7:10। 7:10? फिर वो शर्मा आंटी क्यों कह रही थी कि 6 बजे? चलिए देखते हैं। अगर ये सब अपने जानबूझ कर किया तो किचन में उसका डरना, वहां से उसका भाग जाना, ये सब नाटक था।